हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग IIT फाउंडेशन class-8 का जो ट्रायंगल चैप्टर है उसके फिफ्थ वीडियो को बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल के फिफ्थ वीडियो को बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड पैरेलल टू द अनदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। करने का मतलब क्या है, देखिए, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, जो ये जो पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अगर पी, तो अगर इस लाइन के पैरेलल अगर ये है ये दोनों, तो ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यानी अगर बी सी पैरेलल है पी क्यू, ठीक है, एक कंडीशन ये होना चाहिए कि ये इसके पैरेलल होना चाहिए, और पी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ इसका, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्यू भी मिड पॉइंट होगा किसका, ए सी का। ये कहलाता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या कहलाता है, मिड पॉइंट थ्योरम। यानी हम बोल सकते हैं जो पी क्यू होगा वो हाफ बी सी के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो पी क्यू होगा वो इस बी सी का हाफ होगा। ये है अपना मिड पॉइंट थ्योरम। इसके जस्ट कन्वर्सली उल्टा क्या होता है वो देखते हैं। कन्वर्सली ये क्या बोलता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is always parallel to the third side and equal to half of it। चलिए, ये आपका कन्वर्स था। यानी यहाँ से ये बोल सकते हो, ये तो चलिए ये बता चुके आपको, कन्वर्स इसका जस्ट है। अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल का, है ना। मिड पॉइंट आपको पता हो गया कि अगर एक का पैरेलल होगा और एक वाले का मिड पॉइंट होगा, तो वो दूसरे के भी मिड पॉइंट से ही पास करेगा। अब है सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल देखिए, सिमिलर ट्रायंगल वो है जो शेप सेम दिखना चाहिए, जरूरत नहीं कि उसका जो डायमेंशन है वो सेम होगा। ठीक है, टू ट्रायंगल्स या कोई भी फिगर को सिमिलर कब कहिएगा, या ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल ही बात करते हैं। टू ट्रायंगल्स आर, टू ट्रायंगल्स, अब फिगर में बात करेंगे ना, टू ट्रायंगल का जो फिगर्स है आर said to be similar if they have the same shape, they have the same shape but not necessarily the same size, है ना। सिर्फ सेम होना चाहिए, जरूरत नहीं कि साइज। जैसे एक ट्रायंगल ए बी सी है मान लीजिए, ठीक है, और ये दूसरा ट्रायंगल है। अगर ये 1 1 1 का है साइड, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, सिमिलर है क्योंकि दोनों का जो फिगर है वो सिमिलर है। अगर एक सर्कल है
जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और दूसरा भी सर्कल ही है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों फिगर एक दूसरे का सिमिलर है, हम इसको कंग्रुएंट नहीं बोल सकते, कंग्रुएंट के लिए अपने को साइज भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलरिटी पढ़े हुए हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी पता ही है आपको क्या होता है, एंगल 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 सिमिलरिटी, ये पढ़े थे। क्या होता है सिमिलरिटी, एंगल एंगल, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये क्या बोलता है एंगल एंगल। अब देखिए, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर, मतलब सब क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देखिए टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर कब, जब इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, इक्विएंगुलर होना चाहिए। तो इसके सॉरी, जब इसका इक्विएंगुलर होगा अगर टू ट्रायंगल, तो उसके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। कैसे, फिगर से देखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ऐसा है कुछ पी क्यू है ना, ये दिया हुआ है। मान लो कि एंगल दिया हुआ हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी किसके इक्वल, एंगल क्यू का, और एंगल सी अगर एंगल डी के इक्वल हो, ये अपने को पता हो, तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा। जैसे ए बी बाई पी क्यू ये इक्वल होंगे बी सी बाई क्यू आर का, और ये इक्वल होगा ए सी बाई पी आर का। अगर एंगल सेम होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो इसके जो रेशियो होंगे साइड का वो सेम आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना, यहाँ पे तीन तीन बना रहे, इसके ये, इसका ये और इसका ये, ठीक है। अब आते हैं, पहला है सिमिलरिटी तो देख लिए, क्या है एंगल 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 सिमिलरिटी। दूसरा दूसरा सिमिलरिटी देखने जा रहे हैं, एंगल सॉरी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या बोलता है पता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ये बोल देगा कि अगर दो ट्रायंगल है फिर से अपने पास ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और यहाँ से है डी ई एफ, मान लीजिए डी ई एफ, अब ये एंगल इस एंगल, पता है साइड एंगल साइड, इफ टू ट्रायंगल हैव देयर थ्री पेयर्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड, सॉरी साइड एंगल साइड, तो साइड देखना है, एक साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी इन दोनों ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, आप क्या देख रहे हो बताओ। एंगल बी जो है वो एंगल एफ का, एंगल बी एंगल ई का इक्वल है, ठीक है। और ए बी बाई डी का जो रेशियो है वो इक्वल होगा बी सी बाई ई एफ का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है। यानी एक एंगल और दो साइड का जो रेशियो है वो अगर अपने को सेम मिल जाए तो हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर है। ये था एंगल साइड एंगल साइड। अब है तीसरा, तीसरा क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी है ना।
एंगल 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 देख लिए, साइड एंगल साइड देख लिए, अब साइड एंगल साइड के बाद साइड 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 साइड, नाम से ही पता चल रहा है, यानी तीनों साइड, एक एंगल का तीनों साइड दूसरे एंगल के क्रॉस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर कहलाएगा। जैसे ये इसके इक्वल और ये और ये, जरूरी नहीं कि ये इक्वल ही होगा, इसका जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा। यानी ये बोलिए कि ए बी बाई पी क्यू का रेशियो बी सी बाई क्यू आर के रेशियो और ए सी बाई पी आर का रेशियो, अगर ये तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड का जो रेशियो है वो अगर सेम मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ का। ठीक है, अच्छा ये सिमिलर करने का रेशियो क्या है, देखिए ये अगर वन है तो ये टू है मान लो, ठीक है तो ये वन बाई टू आया, तो ये फोर है तो ये एट होगा, अगर ये थ्री है तो ये सिक्स होगा। अब देखिए इसका रेशियो वन बाई टू, इसका रेशियो वन बाई टू और इसका रेशियो वन बाई टू, यानी ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, ये सिमिलरिटी हो गया। अब आता है थ्योरम फॉर सिमिलर ट्रायंगल, है ना, ये सब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अपने को पढ़ना है, आगे क्लास में इसके बारे में अपने को अच्छे से पढ़ना है ना। तो थ्योरम्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, थ्योरम्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है, सो देखिए ये बोलता है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, टू सिमिलर द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स, क्रॉसपोंडिंग साइड्स। अब देखिए यहां से मान लीजिए ऐसा कोई दो ट्रायंगल है, ये ए है ये बी है और ये सी है और ये डी है और ये ई है और ये मान लीजिए, तो ये बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो होगा उसका रेशियो जो होगा वो बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर, या तो ये निकाल सकता है या बी सी एफ हो गया या ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर ये दे सकता है या ए सी स्क्वायर बाई डी एफ का स्क्वायर ये दे सकता है ना। ये आपको याद रखना, दो ट्रायंगल दिया है और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर अगर दिया हो तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा उसके क्रॉसपोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।